वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स चैनल। आज हम इस वीडियो में अल्काइल हैलाइड्स के दूसरे मेथड पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वीडियो जो अपलोड किया उसमें देखिए टोटल 6 मेथड्स हैं, तो उसमें हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, सॉरी 2 मेथड डिस्कस किए हैं। इसमें हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे और बाकी मेथड भी डिस्कस करते। देखिए फ्रॉम अल्कोहल से किस तरह अल्काइल हैलाइड बनाते हैं इसको हम देखेंगे। देखिए कि तो अल्कोहल की जो रिएक्शन है विद HX, तो HX क्या क्या हो सकता है हमको पता है। HX कैन बी HCl, HBr एंड HI, ये तीन होंगे। हम HF यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। देखिए अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HX इनमें से कोई, या PCl3, यहाँ पर PBr3 भी लेंगे हम, PCl3 या PBr3 या PCl5, बस इतने रिएजेंट है एंड SOCl2। तो ये सब क्या है, हेलोजनेटिंग रिएजेंट है, ये भी हेलोजनेटिंग रिएजेंट है, हेलोजन देता है, ये भी हेलोजनेशन हेलोजनेटिंग रिएजेंट है, Cl देता है, ये भी ब्रोमीन देता है, ये Cl देता है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी एक हम अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। हम एक एक करके देखेंगे। देखिए एक्शन ऑफ HX, ये तीनों में से जब भी आप रिएक्शन करोगे अल्कोहल के साथ में तो क्या होगा, ये अल्कोहल है और आपने HX लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप ये चेंज करोगे ये कंडीशन भी बदलती जाएंगी, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा ऐसे बाय प्रोडक्ट। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जब आप HX HCl लेते हो और ये कौन सा अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, तो आप यूज़ करते हो जिंक क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको क्या यूज़ करना है, जिंक क्लोराइड। मिथिल अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड गिव्स मिथाइल क्लोराइड। मिथिल अल्कोहल HCl, जिंक क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, वाटर, ठीक है। जिंक क्लोराइड को क्या कहते हैं, इसको एक नाम है लुकास रिएजेंट, लुकास CAS, लुकास रिएजेंट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रूज प्रोसेस। याद रखिए ये ग्रूज प्रोसेस है, और इस ग्रूज प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बाई जिंक क्लोराइड एंड HCl, याद रखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, एंड प्रोपाइल अल्कोहल, HCl और जिंक क्लोराइड, ये मेथड से आप दोनों रिएक्ट करें उसे कहते हैं ग्रूज रिएजन, आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड्स। देखिए सेंटेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी फॉर्म अल्काइल हैलाइड, कैन फॉर्म अल्काइल हैलाइड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, याद रखिए। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है इनफैक्ट क्लोराइड HCl के साथ में, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्रूज प्रोसेस। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, HCl आप ऐड करोगे, अगर ये नहीं रहा तो रिएक्शन नहीं जाएंगी, लेकिन जब आप ये ऐड करोगे तभी रिएक्शन जाएंगी, इसे कहते हैं ग्रूज प्रोसेस, ठीक है। तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन थी। लेकिन अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो तो क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, आपको समझना है ये टर्शियरी अल्कोहल है। व्हाई इट इज टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि इसमें देखिए, इसलिए ये टर्शियरी अल्कोहल क्योंकि इसमें OH उस कार्बन को अटैच्ड है जो टर्शियरी कार्बन है, ठीक। दिस टर्शियरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HCl, तो नो नीड टू ऐड जिंक क्लोराइड। तो टर्शियरी अल्कोहल से अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बना रहे हो तो ये दिस इज नॉट अ ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ओके। ये देखिए अगर आप HI यूज़ करते हो अल्कोहल के साथ में तो आपको आयोडाइड मिलता है, ठीक है। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल, लेकिन HI जो है HI ये आपको कमर्शियल अवेलेबल वेरी लेस रहता है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या करते हैं इसको रिएक्शन में बनाते हैं, उसे कहते हैं इन सीटू जनरेशन बोलते हैं। देखिए कैसा बनाते हैं, सोडियम आयोडाइड लेते हैं और फॉस्फोरिक एसिड, दिस गॉड इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से इसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपको HI मिलता है इन सीटू में। देखिए तो यू कैन ऐड KI भी ऐड कर सकते हैं आप, तो NI और KI H3PO4, तो आपको क्या मिलेगा, आयोडाइड मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है फ्रॉम अल्कोहल,
तो हमने मिथेनॉल एग्जांपल लिया है, एचबीआर लिया है, आपको मिल रहा है मिथिल ब्रोमाइड, लेकिन एचबीआर भी आपको कमर्शियली अवेलेबल मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है, शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसे उसको कैसा बनाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसमें एनएबीआर और एस्टेजोफो ऐड करते हैं, और इस तरह वो आपको ब्रोमीन देता है और इस तरह कंपाउंड देता है। एग्जाम्पल देखिए, आपने अल्कोहल लिया है, ये अल्कोहल लेने के बाद हमने क्या किया, उसमें एचबीआर ऐड किया, कैसा, इस मेथड से एनएबीआर प्लस एस्टेजोफो और आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिल गया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अल्कोहल से किस तरह बना सकते हैं, तो अल्कोहल यूज़ करके जब उस पर आप PCl5 या PCl3 या PBr3 ऐड करोगे, तब भी आप हम अल्काइल हेड बना सकते हैं। हाउ, देखते हैं इसको, देखिए, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद PX3 और PCl5 गिव्स अल्काइल हैलाइड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमको समझना ज़रूरी है। देखिए ये कैसा है, PBr3 और PI3 ये कैसे बनाते हैं, NC2 बनाते हैं, कैसा, फास्फोरस लेते हैं, रेड फास्फोरस, आयोडीन या ब्रोमीन लोगे आप तो PI3 बनेगा और PBr3 बनेगा, ठीक है। यानी आप कर अल्कोहल लीजिए, उसे फास्फोरस ऐड कीजिए, आयोडीन ऐड कीजिए और आपको PI3 जनरेट होगा। किस तरह रिएक्शन होती है देखिए, आपने अल्कोहल लिया, आपने PCl3 बनाया, PCl3 जो अवेलेबल रहता है, तो आपको अल्काइल हेड मिला, अल्काइल क्लोराइड RCl मिला, और ये मिला आपको बाय प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, ठीक है, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल लिया, अब इसको रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, ये तीन Cl तीन OH को रिप्लेस करेंगे तो एक PCl3 तीन अल्कोहल से रिएक्ट होगा, तो इसका रेशियो है 3:1, यानी अल्कोहल के तीन मॉलिक्यूल एक PCl3 से रिएक्ट होंगे, यानी अगर आपने 1 kg लिया तो 1/3 ये लेंगे, अगर 3 kg लिया तो आप 1 kg लेंगे, ठीक है। तो ये मिथेनॉल लिया आपने, मिथेनॉल लेकर के आप रिएक्ट कर रहे हो PCl3 से, तो मिथाइल क्लोराइड मिल रहा है 3 मॉलिक्यूल्स और फास्फोरस ऐसे। अगर आप ले रहे हो PBr3 देखिए, तो कुछ भी नहीं, वो सिंपल है, ये तीन लोगे आप रिएक्शन बैलेंस करोगे, ये बैलेंस करोगे आप, तीन Br तीन OH को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और आपको ये मिलता है और फास्फोरस मिलता है। आप डिफरेंट अल्कोहल लीजिए, हमने अल्कोहल लिया देखिए, साइक्लोहेक्सेनॉल PBr3 ऐड करूँगी आप, तो आपको फास्फोरस एसिड कंपल्सरी मिलेगा और ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन मिलता है, ठीक है। थर्ड मेथड जो है इसका अल्कोहल से, बाय एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड, ये बहुत सिंपल है, SOCl2, तो बहुत सिंपल है, कोई भी अल्कोहल लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है, वेरी गुड मेथड। आप उसमें SOCl2 डालिए, आपको मिल जाएगा, क्लोरीनेटिंग एजेंट है क्लोरो अल्काइल क्लोराइड, SO2 गैस इवॉल्व होती है और HCl गैस भी इवॉल्व होती है। तो ये अल्कोहल से मेथड हो गया। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट मेथड है वो है बाय हैलोजन एक्सचेंज। देखिए इसको हम बहुत सिंपल हम ले लेते हैं, इसमें दो रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी है सॉर्स रिएक्शन। तो बहुत आसान है, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है इसको आप पढ़िए, बुकों से थ्योरी पढ़िए। तो जब आप RCl लोगे कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो ये कन्वर्जन ऑफ RBr और RCl इनटू RI, इसे कहते हैं फिंकलस्टीन, बस। तो आप कोई कुछ भी लीजिए, RCl लीजिए या RBr लीजिए, उसमें Na ऐड कीजिए और एसीटोन एज ए सॉल्वेंट, लिक्विड होता है ये, एसीटोन क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, आप अभी इतना समझिए सॉल्वेंट है, लिक्विड है, तो ये NaCl बनता है, ओके, और RI बन जाता है, ये NaCl जाके सेटल हो जाता है, सिंपल फिल्ट्रेशन कीजिए और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप अल्काइल ब्रोमाइड लेते हो, जैसे साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड Ni डालोगे तो आपको आयोडाइड मिल जाएगा। दूसरी जो रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज की, वो है सॉर्स रिएक्शन। इसमें क्या है, बहुत आसान है, आपको अल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड लेना है और उसमें मेटल फ्लोराइड्स डालना है। तो क्या क्या होते हैं मेटल फ्लोराइड्स, देखिए ये होते हैं Ag, बहुत सारे हैं, AgF, Ag2F2, AsF3, SbF, SbF3, SbF, बहुत सारे हैं। तो जब आप ऐड करोगे तो ये AgCl बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपाउंड होता है, ये बन जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको फ्लोराइड्स मिलते हैं। तो ये है सॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन थी। तो आपको दो याद रखना है, सॉर्ट्स एंड फिंकलस्टीन। फिफ्थ मेथड जो है वो है आरआईएल हैलाइड का, बेंजीन का, हमने 11 में देखा है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बेंजीन लीजिए, क्लोरीन लीजिए, अनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, इसे कहते हैं लेविस एसिड, इन्हें कहते हैं लेविस एसिड। कंडीशन डार्क है, आप इसको लाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत साइड रिएक्शन होती है, और आपको देखोगे कि आप क्लोरीनेशन हो जाएगा बेंजीन पे, और इसका मैकेनिज्म हमने 11 की बुक में पढ़ा है, आप वो वीडियोस देखिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ओके। एक हम लास्ट रिएक्शन लेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, और वो है
दैट इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन ये है कि आपने एरोमेटिक अमाइन लिया, अमाइन लेने के बाद में आपने HCl ऐड किया और सोडियम नाइट्राइड ऐड किया, तो ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट बना, और ये सॉल्ट बनने के बाद में जब उस पर आप CuCl डालते हो HCl तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, अगर CuBrHBr डालते हो तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, और अगर आप इस पर Ki ऐड करते हो Ki पोटेशियम आयोडाइड तो आपको सिंपल आयोडोबेंजीन मिलेगा। तो ये टोटल प्रिपरेशन ऑफ, इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये छः मेथड्स थे जो हमने देखे हैं जिसमें हम अल्काइल हेड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप पोस्ट कीजिए और हमको भेजिए, हम आपको आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू।